और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए बहुत आसान तरीके से पाव भाजी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसको बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े आलू, जिसको कि मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, 1 कटोरी गोभी, 1 सफ़ेद शलजम, इसको भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, 1 कटोरी कच्चा केला, 1 कटोरी गाजर, 1 कटोरी मटर, 1 कटोरी लौकी, 1 कटोरी सेम की फलियाँ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। अब एक कुकर लेंगे और उसमें हम सब्जियों को डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले डालेंगे आलू, इसके बाद शलजम, कच्चे केले, गोभी, लौकी, गाजर, फलियां, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन तभी डालें अगर आप खाते हैं तो डालें, वरना ना डालें इसको। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 ग्लास पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें एक बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनाएं इस तरीके से, और इसमें हम डाल देंगे मटर 1 कटोरी में करके इस तरीके से इसको बीच में फंसा देंगे, और थोड़ा सा डालेंगे पानी। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें 2 पहले प्रेशर लगाएंगे, और उसके बाद 5 मिनट हम इसको हल्की गैस पर पकाएंगे, और प्रेशर निकलने के बाद हम इसको चेक करेंगे। जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं तब हम बता देते हैं इसके मसाले के लिए क्या सामान चाहिए। इसके लिए चाहिए 1 बड़ी प्याज छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 2 बड़े टमाटर छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच पाव भाजी का मसाला, मक्खन ज़रूरत के अनुसार, और 1/2 कटोरी हरा धनिया। अब कुकर खोल के चेक करके देखेंगे कि सब्जी गल गई है या नहीं। पहले मटर चेक करते हैं, मटर हमारी गल चुकी है, इसको निकाल के अलग रख देंगे। इसी तरह से सब्जियों को भी चेक कर लेंगे, ये भी हमारी गल चुकी है। अब चमचे की सहायता से इसको हम दबा दबा कर खूब अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे मैश कर लें, मेरे पास नहीं है तो मैं इसको चमचे से भी मैश कर सकती हूँ इस तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब्जियाँ अच्छे से मैश हो चुकी हैं। जब आप सब्जियों को चयन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो तेज स्मेल वाली सब्जियाँ होती हैं उसको हमें इसमें नहीं डालना है। जैसे बैंगन होता है, अगर आप इसमें बैंगन डाल देंगे तो सारी सब्जियों की खुशबू कम हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि हम जैसे बैंगन का भरता खा रहे हैं, इसलिए आप बैंगन को ना डालें। इसी तरह से शिमला मिर्च का प्रयोग भी ना करें। शिमला मिर्च भी अपनी बहुत तेज़ खुशबू रखती है, सारी सब्जियों की स्मेल उसमें दब जाएगी और सिर्फ शिमला मिर्च की खुशबू आएगी आपको, तो इसलिए मैंने इसमें शिमला मिर्च और बैंगन दोनों नहीं डाले हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाएं। ये मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मटर के दाने, क्योंकि उसको हमें मैश नहीं करने थे। कढ़ाई गर्म होने के बाद अब इसमें डाल देंगे 25 से 30 ग्राम मक्खन और इसको मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज और इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। इस टाइम गैस को तेज़ ही रखना है हमें। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर, और इसको भी इसके साथ थोड़ा सा हम गला लेंगे। और गलाने के लिए हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक,
मसाले के अनुसार डालना है हमें, क्योंकि सब्जी के हिसाब से तो हम डाल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और पाव भाजी मसाला। और साथ ही डाल देंगे मैश की हुई सब्जियां। अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। और अगर थोड़ी अगर गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको भी अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। ऊपर से डालेंगे इसमें हरा धनिया। इस तरीके से तैयार हो जाती है हमारी पाव भाजी। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको तैयार कर लिया, सब्जियों को पकाना कितना आसान था और कितनी जल्दी बन गई है ये। अब हम गैस ऑन करके तवे को गरम करेंगे और पाव सेकना शुरू करेंगे। उससे पहले पाव को हम बीच से दो पीस में कट कर लेंगे इस तरीके से। हम डालेंगे मक्खन। पाव रखेंगे थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए। दबाते हुए इसको सेकना शुरू करेंगे, पलट देंगे। गैस को कर देंगे हल्का और हल्की आंच पर ही इसको हम सेकने देंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस तरीके से तैयार हो जाती है हमारी पाव भाजी। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।